कोई नेता को अगर कुत्ता काट ले तो 14 को इंजेक्शन अगर पड़ गया ना तो नेता ठीक हो जाएगा, लेकिन नेता को अगर कुर्सी काट ले तो कहियो ठीक नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग माने कि मांझी जी बेटा दलित है तो तू दलिते वाला विभाग संभालो, ये होता है क्या? तेजस्वी यादव का बच्चा हो गया, एक बेटी हुई है ना जी, कात्यानी, तो तेजस्वी कैसे बच्चा? जो आदमी बच्चा पैदा कर दिया वो बच्चा है, जो ऐसा बोलता है उसकी मानसिक स्थिति क्या है? जाके मांझी जी से पूछिए, चिराग जी से पूछिए। चिराग जी कह रहे थे ना जी, अभी लड़ गए, ताला लग गया है उप मुख्यमंत्री वाला गेट पर, दोनों लड़ गए विश्वेश्वरैया भवन पर लग गई। तो तेजस्वी जी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की, लेकिन कांग्रेस तो बड़ा वृक्ष है, अगर कांग्रेस खेला करने में लग जाए तो जदयू उसके सामने क्या है? कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, पिछली बार आप ही बोले थे कि नीतीश कुमार मारेंगे पलटिया, सही में मार दी। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो 5 को विधायक है उनका मोबाइल अभी भी आउट ऑफ रेंज है। हाँ, या खाली नीतीश कुमार को पलटू नाम कहिएगा तो बेमानी है। सम्राट चौधरी पलटू नाम नहीं है क्या? चिराग पासवान पलटू नाम नहीं है क्या? चिराग पासवान की पार्टी से एक विधायक जीते थे कि नहीं? जदयू को तो बीजेपी भी नष्ट करना चाहिए और कांग्रेस भी। अब कांग्रेस भी इस खेल में लग गई। बच्चा नहीं, तेजस्वी यादव चच्चा है, चच्चा को गच्चा दे देंगे ये। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं और भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार में काफी हलचल मचा हुआ है जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि खेल अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है और खेल अभी बाकी है। वहीं दूसरे ओर विधायक भी जो जेडीयू के हैं वो भी कई अजीब अजीब बयान देते हैं। गोपाल मंडल का बयान अब तक आप सुने ही होंगे। इन सभी विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश जी मौजूद है। वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे, अभी भी बिहार सरकार में वही खलबली और वही हलचल दिख रहा है जो इससे पहले था? देखिए, अभी तुरंत की एक खबर है, हम नहीं बोल रहे, एबीपी न्यूज की खबर है कि जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने दिया सीएम पद का ऑफर, बिहार की राजनीति में मची खलबली। हम नहीं करे, एबीपी न्यूज। देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है कि कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को दिया सीएम पद का ऑफर, मांझी आ सकते हैं खेला, जैसे तेजस्वी बोले कि खेला होगा, कांग्रेस भी उधर लग गई। तो तेजस्वी जी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की, लेकिन कांग्रेस तो बड़ा वृक्ष है, अगर कांग्रेस खेला करने में लग जाए तो जदयू उसके सामने क्या है? कुछ नहीं है। क्या है? बीजेपी भी तो है उसके साथ। अब बीजेपी ने यहाँ जदयू को तो बीजेपी भी नष्ट करना चाहिए और कांग्रेस भी। अब कांग्रेस भी इस खेल में लग गई है। जीतन राम मांझी तो पहले भी बोले कि हमको 2 मंत्रालय चाहिए, उस पर बहस जारी है। अरे मांझी जी तो बोलबे किए ना कि वो सुमित सिंह है, चकाई से विधायक है निर्दलीय, उनको बड़ा विभाग मिलता है, एक विधायक है लेकिन हर बार मंत्री बनते हैं, अब बड़ा मंत्रालय, हमारा बेटवा को झुंझुना थमा देते हैं नीतीश कुमार बोले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग माने कि मांझी जी बेटा दलित है तो तू दलिते वाला विभाग संभालो, ये होता है क्या? क्या लगता है, मांझी जी डोल जाएंगे? मांझी डोल रहे हैं, कने पेंडुलम देखे घड़िया वाला, पहला दिन तो बोले कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे उधर। देखिए, ये हर जगह होता है, पहले ना होता है फिर हाँ हो जाता है। हो जाएगा? हाँ। क्या लगता है आपको, पिछली बार आप ही बोले थे कि नीतीश कुमार मारेंगे पलटिया, सही में मार दिए। हाँ, तो फिर मांझियो जी पलट जाएंगे, पलट जाएंगे, पलट जाएंगे। तेजस्वी जी बोले जी कि खेल होगा, क्या बोले तेजस्वी कि हम अपना पत्ता नहीं खोले हैं। स्पीकर किसका है अभी? अभी तो आरजेडी का, तो आरजेडी के स्पीकर है, तो फ्लोर टेस्ट पे खेला हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बहुमत भी नहीं साबित कर पाए नीतीश कुमार, 10 तारीख का डेट टल के 12 हो गया है, ये डरल है नीतीश कुमार। अच्छा, और हम नहीं बोल रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो 5 विधायक है उनका मोबाइल अभी भी आउट ऑफ रेंज है। हाँ, और एक चीज बताते हैं आपको, नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई, यहाँ तो कुत्ता उत्ता नहीं, नहीं तो हम उदाहरण दे के आपको दिखा देते हैं। हंसिए नहीं, नीतीश कुमार, पवन वर्मा का नाम सुने हैं ना, उनको नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री सलाहकार बनाए थे। सीएम का सलाहकार होता है ना, वो मंत्री लेवल का आदमी होता है, और इंडियन फॉरेन सर्विस से वो आदमी वीआरएस लेके नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे, पवन वर्मा। वो बोले हैं कि देवीलाल जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, हरियाणा के बड़े नेता थे, उनको ताऊ जी भी बोला जाता था, वो कहा करते थे कि कोई नेता को अगर कुत्ता काट ले तो 14 इंजेक्शन अगर पड़ गया ना तो नेता ठीक हो जाएगा, लेकिन नेता को अगर कुर्सी काट ले तो कहियो ठीक नहीं होंगे। वही हाल अब नीतीश कुमार का हो गया। ये हम नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जिस व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाए थे, मुख्यमंत्री का सलाहकार पवन वर्मा, वही बोल रहे हैं। और ये डायलॉग जो है उनका भी नहीं है, ये डायलॉग है देवीलाल जी का, जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे।
तो स्थिति आज ये हो गई कि नीतीश की बिल्ली नीतीश को कह रही है म्याऊं। अच्छा, एक और हल्ला चल रहा, चर्चा चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री जो दो बने हैं विजय सिन्हा और खाली सलाहकारें नहीं, राज्यसभा सांसद भी बनाए थी, बतिया पता नहीं बोले कि नहीं उनको। आइए हम देखिए, आज के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है, हम आपको दिखा देते हैं भास्कर की खबर। यही क्या लिखल है, पवन के वर्मा लिखल है ना, यही लिखे हैं। कुमार का हाँ, छवि खराब। हाँ, देखिए यहाँ क्या लिखे हुए हैं कि यदि कोई कुत्ता किसी राजनेता को काट ले तो वह 14 इंजेक्शन को लेकर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कुर्सी उसे काट ले तो उसका कोई इलाज नहीं। यह टिप्पणी हरियाणा के तत्कालीन आया राम गया राम राजनीति पर केंद्रित था। और बोले कौन थे, पवन के वर्मा। हाँ नहीं, ये बोले थे हरियाणा की राजनीति के चतुर खिलाड़ी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल। हाँ ये बोले थे, ये सब तो नीतीश कुमार के गुरु लाइक ने हैं जी। हाँ। तो वो बोले हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं। तेजस्वी बोले हैं खेला करेंगे। हाँ। तो खेला करिए, और दुश्मनी लिए हैं। हाँ। तो जरा जम के कीजिए, नीतीश कुमार के 45 विधायक है, थोड़ा कम तो कीजिए। अब क्या होगा नीतीश जी का इस बार, जो अगर खेला हो जाता है तो नीतीश जी का अब क्या होगा। अब तेजस्वी जी तो बोलिए दिए हैं कि 24 में खत्म कर देंगे, अगर नहीं खत्म, अगर जुबान की कीमत है तो खत्म करके दिखावे आप तो। अच्छा, भाजपा में भी खूब खलबली मचा हुआ है, अशोक सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा अपने में लड़ रहे हैं ऑफिस के लिए। के बोला, सूत्रों के मुताबिक से पता चला है अभी लड़ गए दोनों, अभी लड़ गए, ताला लग गया है उप मुख्यमंत्री वाला गेट पर, दोनों लड़ गए विश्वसरैया भवन, माने एक अनार दो बीमार हो गए। ओ तो जानिए ना, तो भाजपा वाला अपने में खेला कर रहे हैं। हां, दोनों लड़ गए अपने में कि हम लेंगे ऑफिस तो हम लेंगे, माने बिहार में दो डिप्टी सीएम बने हैं, दोनों भाजपा वाले हैं और दोनों कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो इहो लो कुर्सी कुमार हो गया है, लड़े हैं तो क्या कहा जा सकता है। अरे कुर्सी कुमार हो गए लोग जी। अगर ऐसा है, अगर सम्राट चौधरी और विजय चौधरी लड़े हैं कुर्सी के लिए, तो भाजपा टूट जाएगी जी, भाजपा भी टूट जाएगी। अब तो कुर्सी के लिए धक्कम धुक्की हो रहा है तो क्या होगा। ये लोग सब नीतीश कुमार की हटाने की बात कर रहे थे और अपने कुर्सी लड़ रहे हैं, यही दोनों ना बोल रहे थे। हाँ हाँ, तो ये सब पलटू नाम है, ये लोग भी अब पलटू नाम बन गए। भैया खाली नीतीश कुमार को पलटू नाम कहिएगा तो बेमानी है। हाँ। सम्राट चौधरी पलटू नाम नहीं है क्या, भी पलटू। चिराग पासवान पलटू नाम नहीं है क्या, चिराग पासवान की पार्टी से एक विधायक जीते थे कि नहीं। अरे आपका कहाँ घर है जी, अरे बोलिए ना, बेगूसराय में मटियानी है विधानसभा, वहाँ से कौन जीते थे विधायक, राजकुमार सिंह, कौन पार्टी से जीते थे, बीजेपी से। अब ले लिया उसको बीजेपी, अरे नीतीश कुमार लिया। नीतीश कुमार, चिराग पासवान क्या बोले थे, क्या बोले कि जहाँ नीतीश जी रहेंगे वहाँ हम नहीं जाएंगे, हमारा विधायक को ले लिया। हाँ, और अभी प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, यो चर्च कुछ लोग कह रहे हैं कि चिरागो पासवान इन्हें आने के मूड में, हो बात सही है। क्या करेंगे, एगो बात बताइए, आपके यहाँ 10 रोटी है, अब 20 आदमी आ जाए आधा दर रोटी खाएगा, दूसरा घर जाएगा। तो इसलिए 40 सीटवे है बिहार में और 7 को पार्टी इधर है, तो कहाँ कई कई रोटी खाएगा ये लोग। अगर सरकार फिर से 10-15 दिन में गिर जाता है तो लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पे बढ़िया असर पड़ेगा, किसके पक्ष में जाएगा, जनता के पक्ष में जाएगा। ये जो पलटने उलटने वाले हैं ना, नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं राजद के साथ सरकार बनाते हैं बीजेपी के साथ, तो नीतीश कुमार की स्थिति दुर्गति ये हो गई है कि नीतीश कुमार साफ हो जाएगी उनकी पार्टी। नीतीश कुमार कह रहे थे, वो बयान दिए हैं कि तेजस्वी तो अभी बच्चा है ना जी, वो जंगल राज याद कीजिए 2005 से पहले बच्चा वाले। नहीं, तेजस्वी यादव चच्चा है, चच्चा को गच्चा दे देंगे ये। अच्छा हाँ, तेजस्वी यादव बच्चा कैसे, तेजस्वी यादव का बच्चा हो गया तो तेजस्वी यादव बच्चा कैसे है। नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार को दादा बना दिए हैं वो। अच्छा, अरे वो भतीजा है तो दादा हो गए जी। तेजस्वी यादव का बच्चा है ना बेटी, तो तेजस्वी यादव कैसे बच्चा हुए, चचा को लौकता नहीं है क्या। अरे जो आदमी का बच्चा हो गया वो आदमी बच्चा कैसे हो सकता है, तेजस्वी यादव का बच्चा हो गया, एक बेटी हुई है ना जी कात्यानी, तो तेजस्वी कैसे बच्चा, जो आदमी बच्चा पैदा कर दिया वो बच्चा है। अच्छा, जो ऐसा बोलता है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, जाके मांझी जी से पूछिए, चिराग जी से पूछिए, चिराग जी कह रहे थे ना जी कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, विजय सिन्हा भी कह रहे थे, मांझी जी भी कह रहे थे कि इलाज की जरूरत है मांझी जी का। अब काहे नहीं कह रहे हैं, अब सब पलटू राम है, सब कुर्सी कुमार है, सब पलटू राम सब कुर्सी कुमार है। क्या हो जाएगा, कितना दिन में खेला हो जाएगा, तेजस्वी जी बताएंगे, क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, 7 की जरूरत है, अब कई ओवर में 7 गिराते हैं तेजस्वी, ये देखने वाली बात होगी। आपको लगता है कि फिर पलटेगा मांझी जी, कैचवा लोक लेंगे तो पलट जाएगा, मांझी जी पे डिपेंड करता है, कैचवा कीपर है वह है मांझी जी। गोपालो मंडल का बयान, गोपाल मंडल को लोकसभा टिकट दे देना चाहिए, कहना चाहिए राजद में आ जाइए, वेलकम है। अच्छा,
अरे जीते हारे छोड़िए ना भाई, आपकी सरकार बिहार में, लालू यादव जी एक बात कह देते हैं कि अगर आप खेला नहीं कर पाए 2025 से पहले तो तेजस्वी यादव की हालत वही हो जाएगी जो यूपी में अखिलेश यादव की है, विपक्ष में रह जाएंगे सब, नहीं तो खेला करिए, सत्ता में देखना चाहते हैं बेटा, चाहते हैं कि खेला होना चाहिए, खेला होना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग चाहेंगे तो करेंगे, हम तो एक जनता हैं बिहार की, हम तो इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें, उन लोग खेल रहा है मैदान में, हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं, बिहार की जनता पवेलियन में बैठ के ताली बजा रही है, चौका छक्का। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ, बिहार का नुकसान हुआ, बिहार का बेड़ा गर्क हुआ। पहले बिहारी लोग बाहर जाते थे तो कहता था ओ लालू जी के यहाँ से आए हो, अब कहता ओ पलटू राम के यहाँ से आए हो, ये दिक्कत है। हाँ, अब सीधे कहता है पलटू राम के यहाँ से आए हो, अच्छा बिहार पलटू राम। ओ बदलाव सबसे ज्यादा किसको करने की जरूरत है? जनता को। क्या बदलाव करना? जनता नौकरी शिक्षा पढ़ाई रोज यह सब पे वोट देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए वेद प्रकाश जी का साफ तौर पे कहना है कि फिर से खेला होने का चांसेस हैं, क्योंकि एक बार खेला हुआ और अभी जिस प्रकार से पूरी शासन चल रही है, सरकार में उथल पुथल मची हुई है, तो कभी भी खेला हो सकता है अगर मांझी जी कैच ले लेते हैं तो। और तेजस्वी यादव जो कि क्रिकेटर रहे हैं और क्रिकेटर हैं तो वो कभी भी खेला कर सकते हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होता है, वाकई फिर से बिहार में खेला होता है, फिर से सरकार बदलती है, ये सारी चीज़ें अभी तक आपके सामने हैं, बाकी क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ।